के अंदर खानदान से मुताल्लिक था। 80% तरबियत की बुनियादी खानदान पर थी। अब जब बहुत सारे इनपुट्स टेलीविजन के और मीडिया के आ गए और सोशल मीडिया मजीद उसके अंदर आ गया, तो ये इनपुट जो है अब ये खानदान के कंट्रोल से ही बाहर है। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि खानदान का एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, ये इस वजह से आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ कि मामला बड़ा टाइमली है। पाकिस्तान के अंदर पिछले साल के दौरान बहुत सारे वाकयात ऐसे रुनुमा हुए जो परेशानी का बायस थे। उसके अंदर कुछ लोग ये कहते हैं कि क्योंकि सोशल मीडिया आम हो गया तो उसकी अक्कासी ज़्यादा हो रही है। जो भी कैफियत है, बहुत सारे लोगों को, मुझ जैसे लोगों को और आपको भी इस बात पर ताज्जुब हुआ होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे और आपके एस्टिमेशन से कहीं ज़्यादा है। ख्वातीन का मुकाम माशरे में मिसाल के तौर पर बड़ा अहम है, और मैं इसके साथ साथ आपको मुबारकबाद दूँ कि आपने एक सेपरेट इंतज़ाम किया है ख्वातीन की तालीम के हवाले से, जो इस्लामी रवायात के मुताबिक और पाकिस्तान की रवायात से, हमारे कल्चर से पूरी हम आहंगी रखता है। तो मैं समझता हूँ कि लिफा इंटरनेशनल एक ऐसा इदारा है और मजीद उस तरफ जाना चाहिए जो माशरे के तनाव को एड्रेस कर सके। इसके अंदर एक तो ये कि जब आप तालीम पाकर बाहर जा रहे हैं तो ये महसूस जहन में रखिए कि ये सिर्फ अपनी खिदमत का जरिया नहीं बल्कि ख़ानदान की खिदमत का, उन माँ बाप की कदरों का भी एक जरिया बनेगा कि जिस एतबार से उन्होंने मेहनत की और आपको इस रास्ते पर लगाया। तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह का एहसान है आपके ऊपर कि आपके माँ बाप ने आपके लिए ये चीज़ें आपको स्टेज तक लाए कि आपकी तालीम भी और आप ग्रेजुएट कर रहे हैं। दूसरे ये कि माशरे की हिस्स रखें, फिर आपके यहाँ माशाल्लाह कई फैकल्टी ऐसी जिनका सेहत से ताल्लुक है, सेहत आम्मा से भी ताल्लुक है, और ये सारे काम जो है ये सिर्फ पैसे की लेन देन की बुनियाद पर नहीं होते, ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भी होते हैं। और मैं वाकिफ हूँ इस बात से कि आज से 100 साल पहले इस्लामी माशरों के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान के इलाके के अंदर भी जो मालिक होता था वो मरीजों से पैसा नहीं लेता था, बल्कि जो डिस्पेंसर होता था वो दवा के पैसे ले सकता था जो खर्चा होता था, मगर मालिक कभी फीस नहीं चार्ज करता था। उसकी परवरिश जो है वो रियासत, नवाब या स्टेट करती थी, मगर अब जमाना आ गया कि एक फीस का निजाम है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि हमदर्दी को आप अहमियत दीजिएगा। दीन, दुनिया और आखिरत तीनों के हवाले से यह अहमियत रखती है बात। बिल्कुल अपने दिमाग से इस बात को कभी भी मत निकालिएगा कि ये हमदर्दी का पेशा है। तो जहाँ जिस तरह से मेडिसिन के अंदर और इस पेशे के अंदर, उसी तरह से बाकी सारे पेशों के अंदर भी ये माशरे के साथ हमदर्दी जो है ये बड़ी अहम है। आपके माशाल्लाह फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज भी है, अप्लाइड साइंसेज है, सोशल साइंसेज है, ह्यूमैनिटीज है, आईटी की फैकल्टी भी, कंप्यूटिंग की भी फैकल्टी है, तो लिहाजा बेतहा पोटेंशियल है। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और गवर्नर से भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आईटी की हवाले से जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब नया आया है उसमें जहानत का और इंसानी अकल की बहुत अहमियत है। लिहाजा अगर फॉर्च्यून 500 की कंपनीज को देखा जाए तो पहले वो ऑयल एंड गैस से मुताल्लिक थी, बैंकिंग से मुताल्लिक थी, मगर पिछले दहाई के अंदर या दो दहाइयों के अंदर उससे हटकर सिर्फ ये इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स वाली आईटी कंपनी से इनका ताल्लुक हो गया। मिसाल के तौर पर फेसबुक, मिसाल के तौर पर अल्फाबेट, मिसाल के तौर पर ट्विटर, मिसाल के तौर पर ऐसी बहुत सारी, अमेजोन, गूगल है ना, इस एतबार से उसकी तरफ हो गया। लिहाजा अब एक असल इंसानी तरक्की का वो लेवल आ गया जहाँ गुड्स सर्विसेज फिजिकल लेबर से हटकर इंसानी जहानत की अहमियत है। लिहाजा रिफा इंटरनेशनल के हवाले से, लिहाजा आप लोग जो ग्रेजुएट कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ा अहम है इस बात को पहचाने।
जब इसको बात को पहचान लिया तो अगला कदम फिर यह है कि इसके लिए रास्ते मजीद और ज्यादा खोले जाए। जो जो मुस्तकबिल के अंदर जिन चीज़ों में नौकरियां मिलनी हैं वो फैकल्टीज खोली जाए। जिन मिसाल के तौर पर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त दुनिया की सिक्योरिटी के अंदर इंसानों की, बिजनेसेस की और डिफेंस की हर एतबार से सबसे अहम चीज है साइबर सिक्योरिटी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि साइबर सिक्योरिटी के एतबार से भी मैन पावर की जरूरत, सारे सिस्टम जो आईटी के बन रहे हैं उनको सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग के अंदर एक चीज गलत डाल दी जाए तो जैसे आपने देखा था कि A300 का क्रैश हुआ, दैट इज अ सॉफ्टवेयर क्रैश। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जो यूथ बल है और जो ट्रेन बड़ी जोर से ज़हानत वाली ट्रेन चल रही है उसके अंदर पाकिस्तान को पहले सवाल होना चाहिए। ब्रिक एंड मॉर्टर भी चलता है, हमारी एक्सपोर्ट जो ब्रिक एंड मॉर्टर वाली सब एक्सपोर्ट्स है, हमारी तालीम जो ब्रिक एंड मॉर्टर वाली तालीम है वो भी चलती है। मगर दूसरा फर्क सबसे बड़ा ये है कि जैसे आप तालीम देते हैं तो तालीम का रॉ मटेरियल क्या है, तालीम का रॉ मटेरियल इंफॉर्मेशन है और तालीम का साइक्लिंग मटेरियल जो है वो जहन है। तो पहले जो हाईवे बनते थे वो गुड्स ट्रांसपोर्ट के बनते हैं, सड़कें, रेलवे, ये सब गुड्स ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज, शिप। अब जो इंटेलेक्चुअल गुड्स जो है उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग है, उनकी ट्रांसपोर्ट की आईटी है, वाईफाई है, ये सब चीजें जो है वो कम्युनिकेशन हाईवे। तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तान और खासतौर पर रिफा इंटरनेशनल अपने विजन और अपने डायरेक्शन के एतबार से इसके अंदर भी एक तब्दील आए। और तालिब इल्मों आपसे गुजारिश है कि इन रास्तों को पकड़े जिन रास्तों से पाकिस्तान अचानक इस ट्रेन पर सवार होकर तरक्की कर सकता है। जो ट्रेन बड़ी तेजी से चल रही है और दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली लाएगी। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जिसके ऊपर आजकल मैं बड़ी तवज्जो दे रहा हूँ कि हमारे माशरती ताल्लुकात के अंदर एक नया आंसर, हमें लगता है कि नया आंसर आ गया, हकीकत में ये पुराना आंसर है, वो है फेक न्यूज, वो है रिवर। और ये व्हाट्सएप और ये सारी चीजें इस चीज को बहुत बढ़ा रही हैं। और आप सब और हम सब इसमें मुलव्वस भी हैं, ये भी सोचिए रिवर होती क्या है जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने भाई का गोश्त, इतनी खराब चीज है कि अपने भाई का गोश्त। दूसरा फेक न्यूज के एतबार से, फासिक के एतबार से कुरान की आयत मौजूद है कि फासिक की खबर जो नुकसानदेह हो वो फैलाओ तो उसमें एहतियात हो। तीसरे ये कि अगर कोई ऐसी खबर तुमको मिली है तो अपने नबी से कन्फर्म तो करो। ये वो इंस्टीट्यूशनल डायरेक्शन है जो कुरान ने दिया। अब क्या कहते हैं, अब ये कहते थे कि कोई भी खबर जो मिजले मिजाज से मुताबिकत रखती हो, सच्ची है झूठी, हम उसको आगे कर देते हैं। ये है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ वर्ड भी है, लिहाजा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूरा कॉन्टेक्स्ट आप बयान नहीं कर सकते। और इसके लिए मैं एक मिसाल देता हूँ बार बार लोगों को कि बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे मुंह से और आपके मुंह से बहुत सारे अल्फाज ऐसे निकलते हैं जो हर महफिल के एतबार से मैं और आप उसको टेलर करते हैं और सीखते हैं। एक वाकया मैंने और आपने देखा, कोई भी हादसा देखा, कोई औरत उसमें इन्वॉल्व थी या नहीं थी, कोई हादसा देखा, जिस अंदाज से मैं वो गुफ्तगू अपने माँ बाप के साथ करूँगा, जो अल्फाज का चुनाव वहाँ होगा उससे मुख्तलिफ अल्फाज का चुनाव होगा जो मैं टीवी के सामने बयान करूँगा, उससे मुख्तलिफ अल्फाज का चुनाव होगा जो पुलिस के सामने बयान करूँगा, उससे मुख्तलिफ अल्फाज का चुनाव होगा जो मैं अपनी औलाद के सामने बयान करूँ। और अगर यहाँ की कोई सेंटेंसेस, कुछ अल्फाज दूसरी जगह लगा दिए जाए तो वो कॉन्टेक्स्ट भी डिफरेंट हो गया और सामीन भी डिफरेंट हो गए। यानी जो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ कर गुफ्तगू करूँ वो मेरी वार्ता को सुना दी जाए, वाकई वही होगा, मगर ये है जीवन। और ये इससे अगर इस्तेनाब हम करें तो ये इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होता, इसमें कौम मजबूत होती है। तो ये तो और वेपन का, यानी ये जो फेक न्यूज है इसमें बड़ा नुकसान पहुंचा है तारीख में। यहूदियों के खिलाफ हिटलर का फेक न्यूज मौजूद है, मुसलमानों के खिलाफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बुनियाद पर लाखों जानों का नुकसान हुआ, मशरक वुस्ता तबाह हो गया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कोई बुनियाद नहीं, मगर फेक न्यूज था और लोगों ने यकीन कर लिया उसके ऊपर।
तो लिहाजा वो कौमें बड़ी ताकतवर बनती हैं जो इसका मुकाबला कर सकती हैं। और क्यों आप माशरे में अब जा रहे हैं, माशरे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप नौजवान नस्ल है, तो लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस चीज को अगर आपने अहमियत दे दी, और मैं हर जगह इसलिए अब प्रचार कर रहा हूँ कि गीबत से इज्तनाब करो, अगर आपने इस चीज को अहमियत दे दी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। और आखिर में मैं समझता हूँ कि वाइस चांसलर साहब की रिपोर्ट के हवाले से जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मेडिसिन के अंदर एजुकेशनल वर्कशॉप आपने किए हैं वो अब दुनिया में भी रिकॉग्नाइज होने लगे। पेशेंट सेफ्टी एंड हेल्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ऑन रिहैबिलिटेशन साइंसेज और कॉन्फ्रेंस ऑन लाइफस्टाइल मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज ये अब रिकॉग्नाइज कॉन्फ्रेंस हैं और ये आपका बैन अल-अक़वामी इंटरेक्शन है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फैकल्टी का, मैं असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उन माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी तरबियत की कोशिश की है, और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जब जाएँ तो उन बुनियादों को लेकर जाएँ तो एक नेशन बिल्डिंग के एतबार से एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद बनेगी। शुक्रिया।